नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम, फिर स्वागत है आपका एक इस नए वीडियो में। अभी मौजूद हूँ भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है उसमें, और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है केशव राय पाटन, जो बूंदी का विधानसभा क्षेत्र है उससे लगभग 10 किलोमीटर आगे। आज की जो यात्रा है वो केशव राय पाटन के गुडली से शुरू लगभग हो चुकी है। सुबह 7 बजे का ये समय है, और जो जगह आपको दिखा रहे हैं ये है यहाँ पे आके सुबह का जो सेशन भारत जोड़ो यात्रा का चलता है उसका यहाँ पे रेस्ट होगा। अगर बात करें तो यहाँ पे लंच की तैयारियाँ चल रही हैं और लोग दिन में यहाँ पे आराम करेंगे और खाना खाएंगे। लगभग ये 10-12 किलोमीटर की जो दूरी है, इसके बाद शाम को दोबारा ये यात्रा शुरू होती है, और उसके बाद लगभग दिन में जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा है हर दिन 30-35 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कल का जो दिन था उसमें ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी इसका रेस्ट डे, ब्रेक डे रखा गया था, जिसमें जो यात्री सारे इस यात्रा में चल रहे हैं उन्होंने आराम किया। और अभी आपको लेके चलते हैं उस रसोई की तरफ जहाँ पे रोज हजारों लोगों का खाना तैयार होता है। तो किस तरीके से यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं, ये सुबह सुबह का ही समय है जैसा मैंने बताया, और अभी से लोग जो हलवाइयों की टीम है पूरी वो लग चुके हैं खाना तैयार करने में। आप देखेंगे खूब सारे जो सिलेंडर हैं, रसोई गैस जो है उसके रखे हुए हैं, और बड़े बड़े बर्तनों में खाना पकाने की तैयारी हो रही है। भारी संख्या में पुलिस जाप्ता है वो भी तैनात है। और यहाँ की बात करें तो अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से तैयारियाँ पूरे जोर शोर से चल रही हैं। पीछे की तरफ मेरे सहयोगी से कहूँ अगर दिखाएं तो ट्रकों में जो राशन का सामान है वो सारा भरा हुआ है। आप देखेंगे कि आटा हो, दाल, चावल, ये सारी चीज़ें ट्रकों में भर के एक जगह से दूसरी जगह पे इनको ले जाया जाता है, और फिर ये एक छोटा सा कैंप अस्थाई अगर कहें तो अस्थाई ये रसोई घर बनता है और उसमें उन हजारों लोगों का खाना तैयार होता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो एक पंडाल है जहाँ पे आराम करने के लिए एक तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, कुर्सियाँ डली हुई हैं। जो भी भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग शामिल हैं जब यहाँ पहुँचेंगे तो इसी पंडाल में वो लोग आराम करेंगे। रजाई गद्दे उनके लिए रखे गए हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है। और अगर एक तरीके से बात की जाए तो ये पूरी भारत जोड़ो यात्रा में जो भी लोग शामिल हैं एक तरीके से एक जगह से जब दूसरी जगह मूव करते हैं तो उससे पहले सारी व्यवस्थाएँ वहाँ कर ली जाती हैं, उनके रहने की, उनके खाने की, उनके नहाने धोने की, यहाँ तक कि सारे हर तरीके से एक छोटा सा गांव अचानक से बसता है। और जैसे ही वहाँ से यात्रा की दूसरे दिन शुरुआत होती है तो अचानक से ही वो गांव उजड़ जाता है, ऐसा ही कुछ माहौल यहाँ का है। सुबह सुबह का समय है और कुछ लोग अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि सो रहे हैं। और सहयोगी से कहूँ पीछे की तरफ दिखाएं कि ये जो आपको ट्रक दिखाई दे रहा है ये ट्रक है रोटी मेकर, ये मशीन है। और आपको बता दें कि आंध्रा से ही ये ट्रक है, ये इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ चलता हुआ आ रहा है। रोटी बनाने की मशीन का सेटअप अलग से है, धोबी घाट अगर कहें लॉन्ड्री की मशीन है वो भी एक ट्रक में सेटअप किया गया है, और इसी तरीके से पूरी ये व्यवस्थाएं चलती हैं। भारत जोड़ो यात्रा के भी कुछ हिस्से आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा खास बात ये थी कि आखिर ये जो भारत जोड़ो यात्रा है इसमें जो लोग चलने वाले हैं तो वो किस तरीके से रहते हैं, कहाँ वो खाना खाते हैं, कैसे वो आराम करते हैं और कैसे सारी व्यवस्थाएँ होती हैं। तो आपने शायद इस वीडियो से ये जान लिया होगा कि पूरी प्रक्रिया किस तरीके से चलती है। अभी दूर जो हाईवे आप देख रहे हैं इधर से ही राहुल गांधी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा है वो निकलेगी और यहाँ स्टे होगा, इसी हाईवे से ये यात्रा गुजरने वाली है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हर अपडेट हम आपके लिए इसी पेज और इसी चैनल पर लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।